हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पर सोगी किशमिश यानी ड्राई ग्रेप्स कैसे बना सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसानी से बना सकते हैं ये, बिल्कुल भी काली भी नहीं पड़ेंगी। जैसे मैं आपको बताऊँगी वैसे ही आप इसे बनाइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे FB पेज और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से बनाते हैं ये सोगी। तो यहाँ पर मैंने पहले 250 ग्राम अंगूर ले लिए, इन्हें पहले धो लेना है। और धोकर इसमें अगर कोई गले या कुछ ख़राब अंगूर होंगे उन्हें हम निकाल देंगे। अब हम इस तरह से इडली स्टैंड लेंगे या फिर इस तरह से छलनी वाला कोई बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर हमें ये डाल देने हैं सारे अंगूर। हल्का सा फैलाएँगे और अब एक पतीली में हमें पानी बॉयल कर लेना है। हम इसे स्टीम करेंगे, जैसे कि इडली वगैरह को या मोमोज को स्टीम करते हैं, उसी तरह से हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर रख कर मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ये जो अंगूर हैं पक चुके हैं। इनका कलर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल पक चुका है। इसके ऊपर की जो स्किन है वो भी एकदम से झुर्रियाँ सी आ जाती हैं इसकी स्किन के ऊपर। कुछ अंगूर हैं जो हरे रह गए हैं। 1 मिनट के लिए मैं और इसे स्टीम कर रही हूँ और 1 मिनट के बाद ये सारे अंगूर बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब ये गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब मैंने ये अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हमें इसे सुखाने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, इसमें अलग अलग करके एक एक अंगूर को हम रखेंगे। इस तरह से हम सारे अंगूरों को लगा देंगे। इसे हमें लगभग 3 दिन की धूप लगवाएंगे। आजकल गर्मी है तो काफ़ी तेज़ धूप होती है। 3 दिन में ही ये जो ग्रेप्स होंगे अच्छे से सूख जाएंगे अंगूर और इसकी बहुत अच्छी किशमिश बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने 3 दिन की इसको धूप लगवा दी है। आप देख सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल काली हुई है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है ये किशमिश। आप भी इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।